हाय गाइस, आज हमारे पास आईफोन 11 और आईफोन 10R के लिए कुछ टेम्पर्ड ग्लास कार्ड है और साथ में कुछ प्रीमियम क्वालिटी के केस हैं जो कि है एफिक्स ब्रांड के। ऑलरेडी मैंने आईफोन 12 के केस और कुछ टेम्पर्ड ग्लास इस ब्रांड के मैंने रिव्यू और अनबॉक्स किए थे, काफी अच्छे क्वालिटी के थे। तो अभी मैंने आईफोन 11 के लिए जो भी केस अवेलेबल थे इस ब्रांड के और जो टेम्पर्ड ग्लास थे वो सारे मंगवा लिए हैं और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। अगर अच्छे हो तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्रांड हमें काफी कम प्राइस में प्रीमियम क्वालिटी के केस और टेम्पर्ड गार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं जो कि आईफोन के लिए काफी सही है। तो चलो अभी अनबॉक्सिंग और रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले एफिक्स ब्रांड के प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो वैरायटीज मिल जाती हैं, एक है हमारा ऑटो अलाइन और दूसरा है हमारा इजी फिक्स। इजी फिक्स वाला थोड़ा जैसा कॉस्टली है और ऑटो अलाइन वाला थोड़ा कम प्राइस में आ जाता है। और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर जो प्राइस है, एक का है 1999 और दूसरे का है 2399, पर अमेजोन पर ये काफी सही प्राइस में हमें मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हमारा 699 का और दूसरा है हमारा 1199 का। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है, अगर आपका कोई टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ आता है या फिर आप उसे लगाते हो बबल्स आ जाते हैं तो आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट मिलता है, 100% मनी बैक की गारंटी है, रिप्लेसमेंट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। करते हैं अब इसके अनबॉक्सिंग। ये है हमारा सबसे पहले ऑटो अलाइन वाला, यहाँ पर भी लिखा गया है 100% मनी बैक गारंटी, रिप्लेसमेंट रिफंड सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये रहा हमारा मटेरियल अंदर। तो इसके अंदर हमें दो ग्लास कार्ड मिलते हैं और इंस्टॉलेशन किट भी दे के रखी है, इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पर देके रखी है। सारा सारा बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, फोटो बाई फोटो आप देख के इजिली इसे लगा सकते हो। तो ये सारा मटेरियल हमारे काम का है। अभी एक काम करते हैं, अपने आईफोन से मैं पुराना वाला निकाल देता हूँ टेम्पर्ड ग्लास। स्क्रीन साफ करने के लिए आपको दो मिल जाते हैं, एक हमारा ड्राई है और पहले हम लिक्विड वाला यूज करेंगे। काफी इजी है, बस इसे आप पकड़ो और अपने आईफोन के ऊपर पोचा मार दो। अब ड्राई यूज करते हैं। तो ये हमने स्क्रीन को साफ कर दिया है। अब बारी आती है जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल बचे हुए हैं उनको रिमूव करने की। डस्ट ऊपर आपको मिलेगी, उसको आप इजीली निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेम्पर्ड ग्लास को हम बाहर निकालेंगे और इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए हमें ट्रे दे के रखी है। इसका यूज करके एक्यूरेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे फोन के ऊपर ये ग्लास लग जाएगा। यूज करना बहुत ही ईजी है, बस आपने इस ट्रे को ऊपर रख देना है इस तरह से और उसके बाद आपने इस तरह से इसको निकाल देना है और बस ऐसा करने के बाद फोन के ऊपर रख दें, जैसे कि यहाँ पर भी इन्होंने बता के रखा है फोन के ऊपर रखना है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है और यहाँ से हम प्रेस करना शुरू करेंगे नीचे की तरफ। और ये हमारा अलाइन भी हो चुका है साथ में और बहुत इजीली हमारा टेम्पर्ड ग्लास जो है वो अप्लाई हो चुका है और ये बढ़िया से काम भी कर रहा है। और यहाँ पर बबल्स मेरे को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा, एकदम बढ़िया से ये हमारे फ़ोन के ऊपर लग गया। और बाय द वे यहाँ पर ये भी दे के रखा है, इससे भी आप इसे प्रेस कर सकते हो अगर आप हाथ का यूज़ नहीं करना चाहते हो। वैसे मैंने तो हाथ से कर दिया, यहाँ पर बताया गया था उंगली से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना है, बस हो गया। ऑलराइट, तो ये जो ऑटो अलाइन वाला टेम्पर्ड ग्लास है ये काफी बढ़िया क्वालिटी वाइज, पर यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इसके एज देके रखे हैं पूरे एज को कवर नहीं करता है, तो आपको केस साथ में यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एफिक्स का मैं केस साथ में यूज कर रहा हूँ तो आपका फोन फुली प्रोटेक्टिव रहेगा, वरना इसको डैमेज हो सकता है क्योंकि ये वाला एज टू एज नहीं है, पूरे एज कवर नहीं करता है। और बाकी टच रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, गेमिंग वगैरह भी आप बढ़िया से कर सकते हो, तो मुझे तो काफी बढ़िया लगा। बस मैंने आपको एक बात थी वो आपको बता दी। अब चलते हैं दूसरे वाले टेम्पर्ड ग्लास की तरफ जो इससे महंगा वाला है। तो ये हमारा सेकंड वन इजी फिक्स, अभी इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा जैसा और भी प्रीमियम है, इसको लगाना काफी इजी है, तो देखते हैं कितना इजी है और साथ में इसकी क्वालिटी। इसमें भी आपको प्रॉपर गारंटी मिल जाती है। अंदर का मटेरियल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दे के रखा है और यहाँ पर भी आपको इंस्टॉलेशन गाइड दे के रखी है इसकी। इसके अंदर भी हमें सेम ही मटेरियल मिल जाता है और यहाँ पर इस पैक के अंदर भी हमें दो टेम्पर ग्लास देखने को मिलते हैं। इस बारे में हमें डस्ट रिमूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो ये है हमारा टेम्पर ग्लास, इसके अंदर काफी इजी रहेगा इसे लगाना, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब मुझे ये पुराना वाला टेम्पर ग्लास निकालना पड़ेगा और बाय द वे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको निकालने का। इसको हमने निकाल दिया है और ये टूटा भी नहीं। चलो अभी अगेन एक बार फिर से स्क्रीन को साफ कर लेते हैं।
स्क्रीन हमने फिर से साफ करके चमका दिया। जैसे आपका फ़ोन क्लीन हो जाए उसे साइड में रख दें और यहाँ पर आपने यहाँ पर बैक साइड को रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने अपने फ़ोन के ऊपर इस साइड से इसे रख देना है। तो ये हमने रख दिया और ये ईजिली लग जाएगा हमारा। ये आप देख लो ऑटोमेटिक ये लग रहा है और ये पूरी तरह से लग गया है अभी। तभी इसका नाम है इजी फिक्स। अब ये हमारा लग चुका है, बैक साइड में से इसे रिमूव कर देना है और ये देखो हमारा टेम्पर्ड ग्लास लग चुका है। अभी अगर थोड़ी बहुत भी कसर रह जाती है तो आप इसे इसकी मदद से प्रेस कर दो और ये हमारा इजीली लग गया। तो ये रहा रिजल्ट्स, आपके सामने एकदम परफेक्ट लगा है, एक भी बबल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं, मतलब दोनों में मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई लगाने में। ये वाला तो ऐसे लग गया, चुटकियों में लग गया ये वाला इजी फिक्स। तो आप देख लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और अभी बारी आती है हमारे लिक्विड क्लियर केस की, जो कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। इसे एक मंथ हो चुका है मुझे इसे यूज़ करते हुए और मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इससे जो है फ़ोन निखर के आता है ट्रांसपेरेंट में और अभी तक इसका कलर जो है ना वो वाइट है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि एज वगैरह ये पूरा प्रोटेक्ट कर देता है और यहाँ पर लिखा हो इसके ऊपर एक फिल्म लगी होगी, उसको आप निकाल लेना यूज़ करने से पहले। और यहाँ पर आपको फ़ोन को चमकाने के लिए क्लीनिंग किट दे के रखी है और ये रहा हमारा केस और यहाँ पर फिल्म दे के रखी है, तो इसको आपको निकालना होगा। निकालने के बाद हमारा केस कुछ ऐसे देखा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अभी आपको फ़ोन के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हमने फ़ोन के ऊपर लगा दिया है और अभी इस टेम्पर्ड ग्लास और इस केस के साथ में हमारा फ़ोन जो है ये फुली प्रोटेक्टिव हो चुका है और कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो फाइनल लुक ऐसी रहने वाली है हमारे फ़ोन की। यहाँ पर एज प्रोटेक्शन का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन कुछ ऐसे दे के रखा है, यहाँ पर दो एज है और यहाँ पर बीच में स्पेस दे के रखा है। अगर आपका फ़ोन गलती से नीचे गिर जाता है तो ये आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेगा कॉर्नर से। और बैक साइड में यहाँ पर कैमरा के लिए बम्प दे के रखा है, आपके फ़ोन का कैमरा सरफेस के साथ में टच नहीं करेगा जब आप इसे नीचे रखोगे तो। और बाकी आप ये साइड्स देख लो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बटन्स वगैरह भी क्लिक किए एकदम। और यहाँ पर भी प्रॉपर स्पेस दे के रखा है अपने स्लाइडर को यूज़ करने के लिए, साइलेंट और इसको वायलेंट करने के लिए। तो गाइस कुछ ये थी कहानी हमारे एपिक्स ब्रांड के केस की और टेम्पर्ड ग्लास की। मुझे तो ओवरऑल काफी बढ़िया लगे और जो कमी थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर ये टेम्पर्ड ग्लास है वो पूरे एज टू एज को कवर नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको केस साथ में यूज करना पड़ेगा। तो सभी का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें बाय भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइस हमें काफी सही देखने को मिल जाता है। ये थी हमारे आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।